नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड फंड की। ऐसे फंड जो ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। आमतौर पर ऐसे फंड में कम जोखिम लेकर आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। आज हम जानेंगे क्या है ऐसे फंड्स की खासियत, क्यों आपको इनमें निवेश करना चाहिए, बाजार के उतार चढ़ाव में ये फंड कैसे आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, क्या है टैक्सेशन की प्रक्रिया, कैसे आप कमा सकते हैं डिविडेंड यील्ड फंड से पैसे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है SBI म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी MD और चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह। डीपी सिंह हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल होंगे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हर्षवर्धन, ओके, डीपी सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, और आज हम डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में ही खास चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिरकार क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी खासियत है, और ऐसे टाइम में इसमें निवेश करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। डीपी सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डिविडेंड यील्ड फंड इस कैटेगरी को और इस स्ट्रैटेजी को अगर समझें पहले तो ग्लोबली तो काफी ज्यादा ये एक प्रचलित कैटेगरी है, हालांकि भारत में इसका जो साइज है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 10,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का साइज भारत में हम डिविडेंड यील्ड कैटेगरी का देखते हैं। कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से भारत में डिविडेंड यील्ड फंड है या ये स्ट्रैटेजी और कैटेगरी है, आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी की खासियत क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसकी आपसे इसकी बारीकियां समझना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया स्वाति जी हमें इस प्रोग्राम में बुलाने का और इस फंड के बारे में बात करने का, क्योंकि हमारा NFO भी चल रहा है। तो हमने ना इस फंड के बारे में काफी देर से सोच रहे थे कि क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जैसे आपने बताया US में ही एक सबसे बड़ा जो फंड है वो $50 बिलियन का, मतलब 4,00,000 करोड़ का फंड है, जिसको ये इक्विटी इनकम फंड के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने इस पे काफ़ी इस पे रिसर्च किया, काफ़ी अवधि से हम देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत छोटी कैटेगरी है कि क्या कर सकते हैं इसमें नया। आमतौर पे जितने भी फंड हैं वो एक ऐसा देखा गया है कि वो PSU ओरिएंटेड या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड बना के एक साइडलाइन काइंड ऑफ कैटेगरी थी। तो हमने जब देखा कि अभी बहुत सी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि मिड कैप में भी या स्मॉल कैप में भी या लार्ज कैप में तो हैं ही, जिनका जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती हैं। इसके जब हमने लॉन्च किया, इसके पीछे दो कारण थे। एक तो एक बहुत बड़ी एक संख्या है लोगों की जो बहुत पुराने अपने शेयर्स अपने पास स्टॉक्स डायरेक्ट रख के बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि हर साल इसमें डिविडेंड आता है, तो इसको अपने पास रखते हैं और उसके कैपिटल जो गेन है या उसका जो ग्रोथ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो उस वर्ग की को ध्यान में रखते हुए कि अगर वो डिविडेंड यील्ड फंड में डालते हैं तो उनको दो फायदे होते हैं कि एक तो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा डूइंग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, एंड दूसरा उसमें ये होता है कि दो साल पहले जब डिविडेंड्स को टैक्सेबल कर दिया गया था, और आज की डेट में जब डिविडेंड आता है तो TDS भी कटता है और उसके बाद आपका जो भी है जिस स्लैब में भी आते हो उसका टैक्स देना पड़ता है। परंतु अगर वो डिविडेंड फंड में आते हैं तो उसमें एक तो आपका रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है, दूसरा उसमें टैक्स का वो नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास जो इनकम आती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। तो एक तो फायदा ये है सबसे बड़ा, और दूसरा ये है कि एक फंड मैनेजर कंपनीज को बहुत अच्छे तरह से उनका रिसर्च करके और उसमें फिर पैसा लगाते हैं, जिसमें ना कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही देखी जाती है पर कैपिटल ग्रोथ किस तरह से बढ़िया हो सकती है वो देखा जाता है। तो हम इस फंड की जो परफॉर्मेंस है या उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसको हम फ्लेक्सी कैप फंड की तरह चलाएं विद इन द डिविडेंड यील्ड फंड्स रादर देन ए PSU ओरिएंटेड और लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड। ओके, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहाँ पर कि किस कैटेगरी में और इसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए डिविडेंड यील्ड फंड को। इनफैक्ट जब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है हर्षवर्धन, जैसा डीपी सर भी बता रहे हैं, किस तरीके से टैक्सेशन के लिहाज से भी या फिर सुरक्षा के लिहाज से भी डिविडेंड यील्ड फंड, हम जैसे मार्केट में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी भी देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इन एक बेसिक नेचर के हिसाब से एक डिविडेंड यील्ड फंड कैसे किसी एक निवेशक को सुरक्षा प्रदान कर सकता है?
सो वेल स्वाति, अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड की बात करें तो उसमें जो क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का, कौन सी कंपनी में निवेश करेंगे, तो उनकी क्राइटेरिया ये होती है कि ऐसी कंपनियों में हम इन्वेस्ट करेंगे जो डिविडेंड पेइंग है। वो डिविडेंड पेइंग जरूरी नहीं कि हर साल हो, लेकिन वन इन थ्री फाइनेंशियल ईयर या कोई भी अपने कोई स्कीम होती है उनका एक पैरामीटर्स होते हैं कि जो भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब इसका एक अगर हम पहलू समझें, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करके डिविडेंड पे आउट कर रही है तो वो कंपनी जेनरिकली प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिट्स होगा तब आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट अपने शेयरहोल्डर के साथ कर रहे हैं। सो एक निवेशक को ये एक टर्न ऑफ कंफर्ट मिलता है कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके पास फ्री कैश फ्लो है, जो प्रॉफिटेबल है और ऑब्वियसली वो अपने शेयरहोल्डर को उस तरह से रिवॉर्ड कर रही है। अब कई बार लोगों को ये ऐसा लगता है कि क्योंकि वो डिविडेंड अनाउंस करके पे आउट कर रही है मतलब उनको ग्रोथ के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं है या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो आपका सवाल था कि डिविडेंड यील्ड फंड क्या वैल्यू क्रिएट करता है, वो ये है कि जब मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, जब मार्केट की वैल्यूएशन एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाती है कि हमारा मार्केट पी मल्टीपल कितना चल रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह वगैरह जो बाकी डिस्कशन होते हैं, डिविडेंड यील्ड फंड आपको ये कंफर्ट देता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल हो सकती है एंड प्लस ये कैश जनरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छे बिजनेस में लग रहा है। सो वोलेटाइल टाइम्स में अगर हम बात करें, अगर मार्केट वोलेटाइल ज्यादा हो रहा है तो ये कंपनीज आपको उस तरह से वैल्यू क्रिएट करके देती है और आपकी वोलेटिलिटी आपके स्कीम में कम होगी। ओके डीपी सर, ये समझना जरूरी है कि अगर हम थोड़ा सा पास ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं डिविडेंड यील्ड फंड के, डेफिनेटली अभी भारत में तो ये डेवलपिंग स्ट्रैटेजी है, ग्लोबली एक डेफिनेटली हिट स्ट्रैटेजी है, पर यहां पर अभी भी काफी ज्यादा इसको पैर पसारना जिसको कहते हैं ना वो बाकी है। पिछले कुछ सालों के अगर इसके प्रदर्शन के लिहाज से समझें तो कैसा रहा है ये पूरा जो स्पेस है डिविडेंड यील्ड फंड का? यहाँ स्वाति, मैंने जैसे आपको बताया कि आज तक के जितने भी फंड हैं वो ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड और सीपीएच ओरिएंटेड टाइप फंड्स हैं, तो परंतु फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम इसको लार्ज कैप कैटेगरी वाले जो दूसरे फंड हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं तो कम से कम 2-3% ज्यादा रिटर्न में आया है, कैपिटल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी ये मतलब एक रिटर्न तो ज्यादा देते ही देते हैं और जब मार्केट गिरती है तो बहुत कम गिरते हैं। ये हमने पिछले 5-7 साल का पूरा हमने रिकॉर्ड बैक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं वो हमने की है, तो अल्फा भी ज्यादा जनरेट हुआ, वोलेटाइल भी कम रहे, और उसमें हमने एक और एक सुझाव जो हम दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि क्योंकि आपके पास एक कैश फ्लो आता था, आपको एक आदत पड़ी हुई है डिविडेंड्स लेने की अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, तो इसमें SWP के जरिए आप 6-7% हर साल लेते रहें तो उससे क्या होगा कि एक बड़ा टैक्स एफिशिएंट वे में आपका कैश फ्लो भी बना रहेगा और दूसरा आपका कैपिटल ग्रोथ भी होता रहेगा। परंतु अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है कि निफ्टी 500 TRI के 4.20 लाख के बदले में ये वाली कैटेगरी है इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसने कम से कम 3-4% का अल्फा जनरेट किया है अपने इंडेक्स के ऊपर। Absolutely. तो हर्षवर्धन, ऐसे में मतलब कोई एक ऐसा निवेशक जो कि नया है बाजार में या फिर एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स खुद डीपी सर ने भी बताए, उनके लिए ये काफी सेफ ऑप्शन लगता है कि हाँ मार्केट वॉलिटिलिटी है तो डिविडेंड यील्ड फंड में निवेश करें, क्या फायदा हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो में? जी हाँ स्वाति, तो डीपी सिंह साहब ने ये बताया कि जब मार्केट ऊपर चलता है तो कितना मार्केट से बेटर रिटर्न, 2-3% आपको मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट करके देता है, और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, अगर मार्केट गिरता है, मान लीजिए जो आप पूछ रहे हैं कि निवेशक को किस वैल्यू किस तरह से एक कंफर्ट मिले, अगर मार्केट गिरता है तो भी बैक टेस्टिंग डेटा, अगर मैं SBI का ही जो प्रेजेंटेशन है उसको रिफर कर रहा हूं, तो उसमें आपने देखा, उसमें ये डेटा दिखा रहा है कि मार्केट जब गिरता है कंपेयर टू द निफ्टी 100 TRI, आपका जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स है वो करीबन 5% कम गिरता है। सो एक निवेशक को और क्या चाहिए, वो कहता है कि अगर मार्केट इतना वोलेटाइल है, वैल्यूएशन कंसर्न है, अगर मुझे फिर भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो है, एक्सेट्रा, जो हमने पहले बात की थी।
तो मार्केट जब गिरता है तब ये कम गिर रहा है, बढ़ता है तो ये मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये वक्त भी एक्चुअली बहुत सही है क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं, मार्केट वोलेटाइल है इंटरनेशनल ग्लोबली हमने देखा जो वैल्यूएशन है उसके कंपेरिजन में इंडिया इज हाईली वैल्यूड, एक जियो पोलिटिकल रिस्क चल रहा है, रिसेशन की बातें हो रही है, तो इसमें अगर आपको इक्विटी में बने रहना है तो आपको क्वालिटी आपको बहुत जरूरी है, आप किस तरह की क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्वालिटी की एक डेफिनेशन ये ऑब्वियसली एक इंडिकेटर होता है कि वो डिविडेंड कितना दे रही है। तो आई थिंक डिविडेंड यील्ड फंड ना एक एक आपके पोर्टफोलियो में एक स्कीम जरूर हो सकती है। डीपी सर, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि स्कोप बहुत ज्यादा है डिविडेंड यील्ड फंड का, इस कैटेगरी का और इस स्ट्रैटेजी का, स्पेशली इंडिया में, और ये भी जैसे हमने शुरुआत में मेंशन किया कि अभी तो महज 10,000 करोड़ का एयूएम हम डिविडेंड यील्ड फंड का देख रहे हैं एज अगेंस्ट अराउंड 4 लाख करोड़ जो कि ग्लोबली हम इस कैटेगरी में देखते हैं। कितना ग्रोथ आप अभी अपने इंडियन मार्केट्स तो एक फंड का साइज ओके ओके सॉरी सॉरी एक फंड जिसका आपने मेंशन किया था एब्सोल्युटली हाँ जी एक फंड का ओवरऑल साइज तो बहुत ज्यादा है, पर देखिए मैं तो हमें तो पूरा विश्वास है कि हम पूरी इंडस्ट्री इसकी तरफ देखेगी और ये बहुत दूर नहीं है जब ये 1 लाख करोड़ की कैटेगरी बन जाएगी। तो अभी ये तो हमने शुरुआत की है, एनएफओ चल रहा है, परंतु इसमें अगर जैसे हर्ष भी बता रहे थे कि जब हमने अपना बैक टेस्टिंग किया पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा तो 10 साल में से 8 साल ऐसे थे जिसमें इसके शेयर कम गिरे, मार्केट गिरने जब गिरती थी तो उससे कम गिरे और जब बढ़ती थी तो ज्यादा इन्होंने रिटर्न दिया, परंतु 2 साल ऐसे भी थे जिसमें थोड़ा सा मार्केट के उलट भी चला। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एक चीज मान के चलना चाहिए कि जब भी हम पैसा लगाते हैं थोड़ा सा रिस्क वाला तो है ही है। तो जैसे हर्ष बता रहे थे अगर आपको इक्विटी में बने रहना है तो ये एक कैटेगरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि अभी तक थोड़ी इग्नोर थी, साइडलाइन थी, तो इसमें बहुत पैसा आ सकता है। और आज की रेट में स्पेशली जब इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मार्केट में भी उतार चढ़ाव बहुत, एक दिन उतार ऊपर होता है एक दिन नीचे होता है, तो ऐसे में ऐसे पोर्टफोलियो में सही टाइम पे लगाना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपने SWP का जिक्र यहाँ पर किया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि हम कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए, रेगुलर इनकम के लिए कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा अगर आप और क्लैरिटी दें और थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को समझाएं। यूजुअली हम डेट फंड्स में देखते हैं कि SWP का रूल अपनाया जाता है, यहाँ पर थ्रू एक डिविडेंड यील्ड फंड के जरिए आप बता रहे हैं कि एक रेगुलर कैश फ्लो का एक अच्छा जरिया, एक विकल्प हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। अगर मैंने कोई इन्वेस्ट करना है, मैंने 10 लाख रुपया अगर इस फंड में डाला और फंड में समझो 4 या 5% के करीब डिविडेंड्स भी आए, तो वो जितना है उसको छोड़ भी दें एक साइड पे, अगर मैं हर साल 6% के करीब अपना निकाल लेता हूँ तो वो 60,000 रुपया मैं एक साल में निकालूंगा। तो 60,000 में जब मैं उस पैसे को निकालूंगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो होगी करीब 55,000 रुपये अगर NAV के हिसाब से लगूंगा तो। तो मेरे को सिर्फ 5,000 रुपये के ऊपर अगर एक साल से ऊपर हो गया तो सिर्फ 10% रिटर्न देना है, 10% टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म टैक्स, जो कि 500 रुपया होगा। तो 9,500 तो मेरा अपना हो गया, सिर्फ 500 रुपये टैक्स देना है। और दूसरी तरफ अगर मेरे को 50,000 रुपया डिविडेंड के तौर पर आता है तो अगर मैं 30% की ब्रैकेट में हूँ तो मेरे को 15,000 टैक्स देना है। तो उसमें भी ये फायदा है कि 15,000 कहाँ 500-600 रुपया सरचार्ज डाल के, तो एक बहुत एफिशिएंट तरीका है इसमें जो इन्वेस्ट करके SWP के थ्रू लेने का। तो दूसरा क्या है कि मेरे को अगर 10 डिविडेंड आते हैं 10 बार मैं अकाउंट को देखूंगा, इधर एक डिसिप्लिन वे में अपना 6% है, 8% चाहिए, 4% चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे पास एक बड़ी एक विकल्प है कि जिस तरह का कैश फ्लो मेरे को चाहिए या कैश फ्लो नहीं चाहिए तो उस तरह से मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, ना कि हर बार मेरे को एक मेरे अकाउंट में थोड़ा पैसा आएगा 10 इन्वेस्टमेंट्स का, और टैक्स एफिशिएंसी तो है ही है। तो एक बहुत ही उमदा तरीका है ये, सिर्फ डिविडेंड यील्ड फंड के लिए ही नहीं, अदरवाइज आल्सो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और जब SW के थ्रू पैसा वापस लेते हैं तो एक बहुत ही एक बढ़िया तरीका है ये पैसा वापस लेने का। बस उसमें ऐड मैं आपसे चाहती हूँ आप करें
कोई एक टाइम होराइजन माइंड में एक निवेशक को रखना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कैटेगरी या फंड में, हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक टाइम होराइजन है, हमारा रिस्क एपेटाइट भी है, ये तमाम पैरामीटर्स डिविडेंड यील्ड फंड में कैसे फिट होते हैं? नहीं, बिल्कुल इक्विटी कैटेगरी में ही है, और इक्विटी कैटेगरी में जैसे हम हमेशा हम बात करते हैं कि मिनिमम 3 साल तो चाहिए ही चाहिए, पर आइडियल तो ये होगा 5 साल या 5 साल से ऊपर का, क्योंकि 1-2 साल कभी भी ऐसे हो सकते हैं मार्केट में जब आपका निवेश एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चला जाए, पर उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा, इसमें SIP भी कर सकते हैं, SWP भी कर सकते हैं, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो है ही है, परंतु जहां तक इसमें कितना टाइम होना चाहिए, वो वही जैसे किसी भी हम इक्विटी फंड में बात करते हैं, 3 से 5 साल तो कम से कम चाहिए इसमें। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। डीपी सिंह और हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ है इस शो में शामिल, बने रहिए हमारे साथ। चर्चा करें डिविडेंड यील्ड फंड की, हमारे साथ SBI म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी MD एंड CBO डीपी सिंह है और रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा है। हर्षवर्धन, एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से किसी के पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप भी रखा हुआ है, तो डिविडेंड यील्ड फंड मैं अगर आपसे समझूं तो कितना परसेंटेज, कितना एक्सपोजर किसी एक पोर्टफोलियो में आपके नजर में हो? तो देखिए स्वाति, ये डिविडेंड यील्ड फंड ना आपके एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड की कैटेगरी में मैं प्लेस करूंगा, और उसका कारण भी बता दूं मैं आपको। अगर हम कोई भी एक इंडेक्स फंड का अगर हम पोर्टफोलियो पी देखते हैं, वो करीबन 22 पे, निफ्टी करीबन 22 पी पे है। एक वैल्यू फंड का अगर हम देखें, जैसे UTI वैल्यू फंड है जो UTI डिविडेंड यील्ड फंड जो है, तो एक काफी पुराना स्कीम है, उसकी अगर हम पोर्टफोलियो पी देखें तो करीबन 15। तो ये क्लियर है कि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो वैल्यूएशन, अगर हम एवरेज पी रेशियो भी देखें तो डिविडेंड यील्ड फंड का जो वैल्यूएशन है वो कम है। तो ये उस कैटेगरी में आएगा जहां पे आप एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड की तरह से उसके अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो 5 से 6 स्कीम सफिशियंट होती है। तो अगर आप 5 या 6 स्कीम इक्विटी का रख रहे हैं और उसमें एक डिविडेंड यील्ड फंड ऐड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका 10 से 20% के आसपास का एलोकेशन अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो आप 2,000-2,500 की SIP 100% आप एक डिविडेंड यील्ड फंड में कर सकते हैं। ऑलराइट डीपी सर, अभी एट प्रेजेंट कुछ डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं मार्केट में ऑलरेडी मौजूद, आपका फंड आने वाला है, उसके लिहाज से समझना चाहते हैं क्या अलग और क्या खास है, और किसी एक निवेशक को एक अच्छा डिविडेंड यील्ड फंड चुनना है तो कौन से पैरामीटर्स पर परखें, क्या समझें और क्या देखें? देखिए स्वाति, मैंने आपको जैसे बोला कि ये कैटेगरी थोड़ी सी निग्लेक्टेड कैटेगरी थी विद इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और हमने करीब 6 महीने पहले जब इसके ऊपर काम शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, कंपनीज का जो हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, एक चीज तो मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब इसका पोर्टफोलियो बनेगा आप देखेंगे ये थोड़ा अलग है दूसरे डिविडेंड यील्ड फंड से। और इसका देखो, कोई भी फंड है उसका जो फॉर्च्यून होता है वो मार्केट से अलग नहीं हो सकता। अगर मार्केट में ठीक चलती रही तो ये डेफिनेटली अल्फा जनरेट करेगा, और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि ये कैटेगरी को तो हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जब SBI किसी भी फंड को लेके आता है। एक तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लेके जाते हैं, हमारा जो नेटवर्क है उससे ये फंड पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर एक। और उसके बाद हम इसके बारे में जो एजुकेट करेंगे लोगों को, रिटर्न परफॉर्मेंस तो आने वाला समय बताएगा, पर हमें विश्वास पूरा है, हमारी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग है कि हमारे खुद ही लोगों ने मतलब अपने जो पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इसमें डालने का फैसला किया है। तो अलग किस तरह से होगा? अलग मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि इसको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की तरह हो, इसमें सिर्फ लार्ज कैप कंपनी या सरकारी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा ये एम्फेसिस नहीं होना चाहिए। इसमें हर तरह की कंपनी, जो भी चाहे वो फार्मा में है या छोटी कंपनी जैसी हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, जिनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनमें भी पैसा लगाएंगे। कम से कम एक अच्छी खासी जो प्रतिशत है पूरे पोर्टफोलियो का उसमें रहेगा, तो उससे क्या होगा कि उसके आने वाले टाइम में कैपिटल गेन भी ज़्यादा होने के उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे। कुछ चैलेंजेस हर्षवर्धन आप देखते हैं स्पेशली
क्योंकि डेफिनेटली बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, हर एक कैटेगरी के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, आपकी नजर में कुछ खास? वेल, ऐसे चैलेंजेस नहीं है, सिर्फ एक जो कंसर्न आता है, अब वो कंसर्न को आप कैसे हैंडल करते हैं वो एक अलग बात है। इक्विटी, अगर मैं सिर्फ कंसर्न, क्योंकि हमें कुछ चीज के कुछ कंसर्न, कोई हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जो आगे जाके प्ले आउट हो सकते हैं उसके लिए मैं कारण बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कारण होने वाला है। सो जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड यील्ड, उस जो हमने शुरुआत में बात की कि अगर कोई कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड आपको अनाउंस करके दे रही है, मान लीजिए डिविडेंड यील्ड आपका 3% है या 1.5 से 3% के बीच में आपका डिविडेंड यील्ड है, विच मीन कि कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये समझ में आता है कि उनके ग्रोथ पोटेंशियल, कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? क्या उन्हें ये पैसे ग्रोथ या कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है कि कंपनी के हम कैसे स्केल करेंगे, कैसे उसे और आगे बढ़ाएंगे? तो सिर्फ एक कंसर्न आता है कि जब कंपनी रिटेन नहीं करती। सो मैं अदरवाइज बात करता हूं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो डिविडेंड दे नहीं रही है, तो इसका मतलब वो अपनी प्रॉफिट्स को रिटेन कर रही है और वो कैपिटल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज करना चाह रही है। तो उसके कॉन्ट्रेरी ये हो गया कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी और आप पैसे अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आपको उस कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, इसका क्या ये मतलब होता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस कंपनी के पास? तो क्या आगे जाते हुए ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं? अल्टीमेटली इक्विटी इन्वेस्टर क्या चाहता है कि ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ नहीं है तो सिर्फ आप क्या डिविडेंड कमाने के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा कि ये एक, क्योंकि हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, उसी के लिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा देती है तो उसे ग्रोथ। डीपी सर, आपसे इसका एक शॉर्ट रिप्लाई लूंगी, ये कंसर्न कितना कितना इंपॉर्टेंट और कितना आपके नजर में वैलिड है कि कैसे कैसे एज अ कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी चुनाव कैसे करते हैं? ना देखिए, ये जो हर्षवर्धन साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि अगर वो दे रही है तो हो सकता है कि कैपिटल उसको जरूरत नहीं है, पर देर आर सो मेनी बिजनेस जो कि कैपिटल लाइट होते हैं, उनको कैपिटल चाहिए ही नहीं, कैश फ्लो है फिर भी वो अपने पास रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। तो आज की डेट में हमारी फंड मैनेजमेंट टीम भी जब हमारे पास, जैसे हमारा अगर सबसे बड़ा फंड है, तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो हमारे पास पहले आते हैं। तो वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, अगर 20 फैक्टर जो हम चेक करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि जो कैश फ्लो कंपनी का आएगा उसका जो उसकी जरूरत किस तरह से, उसको किस तरह से वो खर्च करेंगी। या तो देयर शुड बी विजिबिलिटी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कंपनी बड़ी होएगी। और कई बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कैपिटल बहुत कैपिटल लाइट होते हैं, कैपिटल चाहिए ही नहीं पर कैश फ्लो है, तो उसमें हम उनको एक बिहेवियर को हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये पैसा जो है, जो इन्वेस्टर, जो निवेशक हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको एक डिविडेंड के तौर पे आपको देना चाहिए। तो हम ये करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो फंड हाउसेज हैं वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि भाई कंपनियों को ये बिहेवियर के लिए राजी करें कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड लोगों को दिया जाए। एंड हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद करेंगे डीपी सर आपका और साथ ही हर्षवर्धन आपका भी इस खास चर्चा में हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो काफी हद तक हमने काफी बारीकियां समझी आज डिविडेंड यील्ड कैटेगरी की। आज के इस शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आप जी बिजनेस।